नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर। जय प्रताप सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश ने गुरुवार को झांसी जिले की कई अस्पतालों का निरीक्षण किया, जिससे जनपद में कोरोना से हो रही मौतों को कंट्रोल किया जा सके और टेस्टिंग में तेजी लाई जा सके। गुरुवार को सबसे पहले वे रेलवे हॉस्पिटल पहुंचे, जहां 100 बेड का L2 शुरू किया जा रहा है, जिसमें गुरुवार से मरीजों को भर्ती करने का काम किया जाएगा। इसके बाद 158 सीरियस मरीजों के मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने की जानकारी भी दी। मंत्री जय प्रताप सिंह ने पत्रकारों को बताया कि मेडिकल कॉलेज और पैरामेडिकल में एक्स्ट्रा बेड की व्यवस्था भी की गई है। मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जिला अस्पताल का निरीक्षण के दौरान कोरोना वायरस से अलग अन्य मरीजों से पीड़ित मरीजों को किस तरह का इलाज जिला चिकित्सालय में दिया जा रहा है, इसकी नब्ज टटोलने के लिए मंत्री जय प्रताप सिंह जिला चिकित्सालय पहुँचे। यहाँ उन्होंने कई वार्ड का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में इमरजेंसी सेवाएँ OPD ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल नहीं रोके जाएंगे। हाउस टू हाउस सर्वे एंटीजन टेस्टिंग करने के निर्देश देते हुए कहा कि हाउस टू हाउस सर्वे में जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट, किडनी जैसे असाध रोगों से ग्रस्त हैं, उनका टेस्ट पहले किया जाए ताकि उन्हें बचाया जा सके। भ्रमण के दौरान मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि जनपद में कोविड L1 हॉस्पिटल में सुविधाएँ बेहतर हों और नॉन सिस्टमैटिक मरीजों को वहाँ रखा जाए। उन्होंने जनपद में तैयार L1 हॉस्पिटल की जानकारी भी ली और कुल कितने बेड हैं तथा कितने मरीजों को वहाँ अभी रखा गया है के विषय में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि L1 हॉस्पिटल में मरीजों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएं, उन्हें समय से भोजन उपलब्ध हो तथा साफ सफाई बेहतर हो। उन्होंने कहा कि पहले मरीजों को ऑक्सीमीटर से जाँच लें, तभी इलाज प्रारंभ करें ताकि इलाज में सुविधा हो सके। गौरतलब है कि जनपद में COVID-19 प्रभावित नगर के 15 मोहल्ले हैं, जहां से पॉजिटिव केस निकल रहे हैं। यह सभी एरिया घनी बस्ती और रास्ता भी बेहद सकरा है तथा इन्हीं मोहल्लों में गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को हाउस टू हाउस सर्वे में चयनित किया गया है। अधिकतर मरीज बिल्कुल आखिरी समय में अस्पताल आते हैं, साथ ही वह डायबिटीज, किडनी, TB आदि रोगों से ग्रस्त भी होते हैं। ऐसे गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों का एंटीजन टेस्ट जल्द किया जाएगा ताकि उनको बचाया जा सके। जिले में नगर के 8 होटलों को भी L1 हॉस्पिटल बनाया गया है। कुल 160 कमरे हैं, जिसमें 33 कमरों में मरीजों को रखा गया है। मैन पावर की कमी एक बड़ा कारण बन रही है। लैब टेक्नीशियन ना होने के कारण टेस्टिंग में समस्या आ रही है। अभी लगभग 3000 सैंपल लंबित हैं। इस मौके पर DM आंध्रा वामसी, CMO डॉक्टर गजेंद्र कुमार निगम, प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज डॉक्टर साधना कौशिक, निर्देशक पैरामेडिकल डॉक्टर SN सिंह सहित अन्य अधिकारी व चिकित्सक मौजूद रहे। वहाँ से पूरा परिसर को देखने के बाद और जिलाधिकारी का उसके बाद फिर मैं उससे पहले मैं रेलवे वाले पर किया था, जहाँ हमारे 100 बेड का रेलवे ने हमको किया है उसका इंतजाम देखने के लिए। वो रेल स्टेशन से भी आगे जब आज से उसमें और उसके बाद रास्ते में मेडिकल कॉलेज वासी देखा हमने, जिसमें 158 केस है वो टेस्ट की व्यवस्था हुई, जहाँ पर हमारे ऐसे पेशेंट है जिनको ऑक्सीजन और वेंटिलेशन की आवश्यकता है वो 158 वहाँ पर है। इसमें भी अभी अधिक सप्ताह में बना सकते हैं, पैरामेडिकल में भी अधिक सप्ताह बना सकते हैं। और जिन्हें अस्पताल में आने का उद्देश्य है कि जो नॉर्मल पेशेंट हमारे आते हैं नॉर्थ में, उनकी क्या व्यवस्था है, कितनी संख्या आती है, क्या क्या यहाँ पर टेस्टिंग हो रहा है, ये देखने के लिए जिला अस्पताल में नहीं जैसे तो यहाँ पर लॉकडाउन से पहले तो यहाँ लगभग 2500 के हिसाब से प्रतिदिन यहाँ पर होता था, अब तो बहुत ज्यादा है, तो 3000 तो यहाँ था। उसके अंदर भी जो भी हमारी सुविधाएं हैं आम आदमी के लिए, जो हमारे हेल्थ के कार्यक्रम है वो भी मैं सफलता करता हूँ, जितने तक पहुँच जा रहा हूँ। कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस चलना चाहिए, OPD हमारा रेगुलर इमरजेंसी सेवाएं चलती है, जो उपकरण हमारे
आम आदमी के लिए जो कोविड से जुड़ा नहीं है आशा की उपचार पूरा होना चाहिए। जो उपचार में ठीक जा रहा हूँ अगर क्लास ठीक है अगर यहाँ भी हमारे दो LT यहाँ भी इंफेक्ट हो गए यहाँ से टीमों के माध्यम से जिला स्तर पर भेजेंगे ताकि काम हो जाए। किसी कोई तैयारी किसी के पास नहीं है। हमने जो व्यवस्थाएं बढ़ाई है मार्च के पहले सप्ताह से उत्तर प्रदेश में आपके 200 प्रतिदिन सैंपलिंग होता था मेडिकल कॉलेज अपना। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पिछले 3.5 महीने के अंदर आज 40 से 45 हजार सैंपलिंग करते हैं विभिन्न प्रकार के और हमारे लॉकडाउन खुलने के बाद अनलॉक होने के बाद 7 या 8 ऐसे जनपद हमारे NCR के बगल में है बगल में वो और प्रयागराज कानपुर लखनऊ और अब झांसी के हैं इन सभी जगह अनलॉक के बाद बड़े बड़े आबादी वाले शहरों में ज्यादा संख्या वाइज इसकी व्यवस्था हम लोग पूरा सुनिश्चित कर रहे हैं और एंटीजन टेस्ट एक नया प्रकार का टेस्ट जो IT-MR ने हमको निर्देश किया है उसके माध्यम से जो आधे घंटे के अंदर टेस्टिंग कर रहे हैं आपके झांसी में भी जो इस तरह के हॉटस्पॉट हैं उन हॉटस्पॉट से हम लोग करते हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि घर से घर हाउस टू हाउस हम लोग ने एक पूरा सर्वे बना लिया उत्तर प्रदेश हाउस टू हाउस में ये किया है कि जिन घरों में असाध्य बीमारी से जूझ रहे लोग जैसे कैंसर है हार्ट का है हाई ब्लड प्रेशर है डायबिटीज है और बाकी के तमाम बीमार के लक्षण वाले लोगों का हम अब सैम्पलिंग एंटीजन के द्वारा इन हॉटस्पॉट कंटेनमेंट एरिया तक झांसी में आज इससे क्या होगा कि हम इससे दर्द कम करने के लिए इनको पहले हम चीज कर लेंगे और सरकार उनको अस्पताल पहले कर रहे होंगे एक स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही थी यहाँ दवाइयों को बड़ा घोटाला लगभग 1.5 साल हुई है उसमें अभी तक नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्यूरो रिपोर्ट।